ईशा के लापता होने में छिपा है बहुत बड़ा राज, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईशा कहीं और नहीं बल्कि छुपी है भोसले हाउस में। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको देखने को मिलेगा किस तरह ईशान आज सभी से अपनी सारी दिल की बातें कहने वाला है और साथ ही बताने वाला है कि कैसे बचपन में वो अपने आई बाबा के साथ मजाक मस्ती किया करता था। और यही होगा सभी के लिए बहुत बड़ा क्लू, क्योंकि सभी समझ जाएगी कि ईशा कहां पर है। तो चलिए बताते हैं सभी और ईशान के बीच में क्या क्या होगा। भाई सबसे पहले आज आप देखेंगे किस तरह से ईशान सभी नजदीक आने लगे हैं, उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं और ये सिर्फ ईशा की वजह से हुआ है। जब जब ईशा को कुछ होता है तो हम देखते हैं कैसे सभी और ईशान जरूर क्लोज आते हैं। और इस बार भी यही कहा जा रहा है कि ईशा जो लापता हुई है, अब सभी और ईशान इसी बीच क्लोज आ जाएंगे। जैसा कि आज भी आप देखेंगे कि पोस्टर लगाते टाइम जब सभी गिरेगी तो ईशान ही उसे अपनी बाहों में पकड़ लेगा और ये सीन फैंस को बहुत पसंद आने वाला है। और आपको बता दें कि किस तरह सभी को एक बड़ा क्लू मिलने वाला है। अब नया प्रोमो सामने आ चुका है। प्रोमो में सभी ईशान दोनों रोड के किनारे बैठे हैं, जहाँ पर सभी परेशान है। ईशान से कहती है, सर मुझे एक चीज बताइए कि आप लोगों ने कभी साथ में क्या कोई अच्छे मोमेंट्स स्पेंड नहीं किए। इस पर ईशान कहता है, हाँ जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मेरे साथ खेलते थे, मैं अपने आई बाबा के साथ एंजॉय करता था अपने घर के आंगन में। जैसे ही अब सभी घर के आंगन का नाम सुनती है तो सभी अचानक से खड़ी हो जाती है और ईशान से कहती है, सर मुझे पता चल गया ईशा मैम कहाँ है, क्या आपने अपने घर के आंगन में ईशा मैम को ढूंढा है। इस पर ईशान भी परेशान हो जाता है। सभी कहती है कि मैंने अब तक जितना ईशा मैम को ऑब्जर्व किया है, वो हमेशा आपके बारे में सोचती हैं। आपकी फोटो जो है वो उनके वॉलपेपर पे लगी हुई है, तो वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। और जैसे मैंने उनको देखा था कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया था कि ईशा मैम इधर उधर भाग रही थी और आपको ढूंढ रही थी कि आपका बचपन कहाँ है, तो क्या पता जहाँ आप लोगों का बचपन छिपा है वहीं पर ईशा मैम गई हो। अब वही ईशान हैरान है। अब देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा अगर ईशा सच में उस घर के आंगन में है, यानी कि भोसले हाउस में है, तो सुरेखा क्या करेगी, क्योंकि सुरेखा यशवंत जल्द ही एक्सपोज होने वाले हैं। आज भी आपने देखा किस तरह सुरेखा ईशान को भड़काती हुई नजर आई थी ईशा के खिलाफ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सुरेखा की बातों का कोई भी असर ईशान पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ईशान अब कहीं ना कहीं अपनी आई को ही ढूंढना चाहता है। पर आपका क्या कहना है सभी ईशा ईशान को लेकर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।